हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम फुल सिंह योगी फ्रॉम श्री दिगंबर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भांड्रेज मोड़ दौसा। टुडे आई विल बी डिस्कस्ड अबाउट एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग सब्जेक्ट बीटेक सिक्स सेमेस्टर सिविल ब्रांच अकॉर्डिंग टू आरटीयू सिलेबस। अपन डिस्कस करेंगे, जैसे पहले प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन देखा था, जिसके अंदर अपना आरसीसी का वर्क के लिए कितना परसेंट आपको रेनफोर्समेंट लेना है, किस टाइप का वो क्वांटिटी निकालनी थी रेनफोर्समेंट की, जो सरिया आपको दिया होता था उसकी परसेंटेज निकाली थी। जैसे मैंने आपसे कहा था, जैसे कोई बीम दी हुई है, बीम के लिए आपको 1% से 4% लेना है, कॉलम है आपको 1% से 6% या 5% लेना है, ठीक है। ओवरलैपिंग केस में 6% लेते हैं, बाकी 4% लेते हैं, ठीक है। तो स्लैब के लिए आपको 1% लेना है, और यदि आप बात करें फुटिंग है 0.5 से 0.87% तक आपको इसकी रेनफोर्समेंट की क्वांटिटी लेनी है। आज अपन डिस्कस करेंगे, सपोज दैट आपकी कोई एक क्वेश्चन, जैसे आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि प्रिपेयर द डिटेल एस्टीमेट फॉर आरसीसी रूफ स्लैब। आपकी स्लैब यूज़ करनी है, स्लैब आपको बनानी है, किसके लिए रूफ स्लैब बनानी है आपको, जिसकी साइज़ आपको दी हुई है 3 मीटर क्लियर स्पान, जो आपको क्लियर स्पान है वो कितना है 3 मीटर का है, एंड 6 मीटर लॉन्ग फ्रॉम द गिवन ड्राइंग। आपको 6 मीटर क्या है, ये लॉन्ग है, क्या है 6 मीटर आपकी लॉन्ग है, और 3 मीटर का आपका क्लियर स्पान है, कि यानी दोनों सपोर्ट्स जो हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों सपोर्टों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 3 मीटर है, वो कितनी है 3 मीटर है। आपको ये देखना होता है कि आपको जो बीम दी हुई है, स्लैब जो दी हुई है, जो आपके जो बीम है या कॉलम है उनके ऊपर वो टिकी होती है, उस पर वो सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, उसके आधे पोर्शन पर वो कॉलम पर टिकी होती है, ठीक है। तो वो आपको बीच की जो डिस्टेंस है क्लियर, कॉलमों के बीच की इनर वाला पार्ट जो है वो आपको 3 मीटर का दिया हुआ है। नेक्स्ट, इसमें आगे जो दिया हुआ है कि ड्राइंग आपको डायग्राम के अंदर मेंशन की गई है। नेक्स्ट, आरसीसी वर्क इंक्लूडिंग सेंटरिंग एंड शटरिंग एंड स्टील रेनफोर्समेंट इन डिटेल शैल बी टेकन सेपरेटली। आपको ये सेंटरिंग और शटरिंग रेनफोर्समेंट जो आपको है सेपरेटली आपको समझाना है। एक तरीके से आप ये कहेंगे, सेंटरिंग जैसे अगर आप देखें, जैसे रेनफोर्समेंट जो अपन प्रोवाइड करवाते हैं उनको, एक तो होता है मेन वार होते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटरी वार होते हैं, उनको किस तरीके से आपको कनेक्ट करना है, उनके बीच में स्पेसिंग कितना रखना है स्पेसिंग, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन वार के लिए कितना है, मेन जो वार हैं उनके लिए कितना है, ठीक है, उनको बांध देते हैं, सेंटरिंग कर देते हैं। उसके बाद अगर आपने देखा हो जो फंटावल्ली वगैरह लगा के उसको क्या एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, उसके लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, ठीक है। तो वो काम भी आपको इसके अंदर करना है। तो मैं या जो आपने एक स्लैब है, क्या है एक तरीके से स्लैब, प्रॉपर तरीके से आप ये देख रहे हैं कि कोई स्लैब आपको छत बनानी है, सिर्फ आपको छत बनानी है, उसके लिए आप एक ड्राइंग देखिए, आप जो आपको क्वेश्चन में ड्राइंग दी हुई है। यदि मैं आपसे कहूँगा पहले जो यहाँ पर ये जो सपोर्ट प्रोवाइड करवाया गया, ये क्या है आपका सपोर्ट्स है दोनों तरफ, ठीक है। इन सपोर्ट्स के अंदर अगर आप देख रहे हैं, इन सपोर्ट्स के अंदर क्या है कि 15 सेंटीमीटर का, ये क्या है 15 सेंटीमीटर का आपको इनर पार्ट, कि आपकी जो स्लैब थी वो क्या है 15 सेंटीमीटर इसमें अंदर की तरफ दसवीं, जब भी तो आपका बॉन्ड बन पाएगा, अदरवाइज आप कैसे टेकना पड़ेगा। आपको जो सपोर्ट प्रोवाइड किया है, जहाँ पर आपको दिए हैं कॉलम, ठीक है, वहाँ पर उसको रखना है। इधर भी आपका 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये आधे पोर्शन पर लगभग कॉलम्स पर इसका सपोर्ट पर आपको टेका होता है, ठीक है। जस्ट यदि मैं बात करूँ कि इसके अंदर आपने क्या है कि जो स्लैब एक तरीके से छत वो पड़ा हुआ है, उसको क्रॉस सेक्शन आपको सेक्शन एक काटा है, क्रॉस सेक्शन काटा है, और उसको आपको फ्रंट व्यू से देख रहे हैं। यदि जैसे स्लैब है, स्लैब को अगर आप कभी सामने से देखना, फ्रंट से देखना, ठीक है, तो वो आपको इस तरीके से दिखेगी, डिस्ट्रीब्यूशन बार वो अंदर जाते हुए दिखेंगे उसमें, ठीक है, मेन बार इस तरीके से आपको आते हुए दिखेंगे, ठीक है, वो आपको उसके अंदर व्यू देख सकते हैं एक तरीके से काट के, कहीं से भी अगर काट के आप चेक करेंगे तो इस तरीके से आपको देखिए यहाँ पर क्लियर स्पान दिया हुआ है नीचे 3 मीटर क्लियर स्पान, यानी यहाँ पर इनर पार्ट यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये क्लियर स्पान दिया हुआ है 3 मीटर का, क्लियर। नेक्स्ट दिन बात करूँगा कि यहाँ पर ये 15 सेंटीमीटर यहाँ पर बेंट अप बार है, क्या है बेंट अप बार, यहाँ से लेकर ये बेंट अप किया गया है, इसको देखिए आप, ये क्या है यहाँ से सीधा आ रहा था यहाँ तक, इस जगह तक, इस बिंदु के बाद में इसको क्या है बेंड किया है, फिर इसको उठाकर इस तरीके से बेंट अप किया, हुक प्रोवाइड किया, तो बेंट अप बार बोलते हैं इसको, क्या बेंट अप बार बोलते हैं, क्योंकि जॉइंट के लिए इसको प्रोवाइड करवाते हैं, अल्टरनेट तरीके से प्रोवाइड करवाते हैं, एक के बाद में दूसरे बार में बेंट अप देते हैं इसको। तो ये बार प्रोवाइड करवाया गया, इसकी जो डिस्टेंस है आपको 50 सेंटीमीटर, इधर भी आपको कितने 50 सेंटीमीटर भी प्रोवाइड किए, जैसे हाँ ये यहाँ पर लिखा हुआ है अल्टरनेट बार्स बेंट अप, देख तरीके एक के बाद में एक यहाँ पर ये बार प्रोवाइड करवाना है, और जिसे अपन बेंट अप बार बोलते हैं, ठीक है।
और यदि मैं आपसे ये कहूँगा कि इसके अंदर ये देखिए 12 mm डायमीटर को जो बार मेन बार प्रोवाइड किया गया है, आप ये कहेंगे मेंस जो बार प्रोवाइड करवाए गए हैं इनके अंदर वो कितने के दिए करवाए गए हैं, 12 mm के करवाए गए हैं। कितने के? 12 mm, 12 mm के करवाए गए। लेकिन नीचे आपको देखिए इनके आगे क्वेश्चन में दिया वर्ड कि 12 cm सेंटर टू सेंटर, यानी इनके बीच की जो स्पेसी है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 12 cm की है। वो कितने की? 12 cm के। लेकिन डायमीटर जो बार का है वो कितना है? 12 mm का है। यानी आप ये कह सकते हैं 120 mm आपको सेंटर आपके जो दो बार्स हैं मेन बार उनके बीच की स्पेसी है। नेक्स्ट अगर आप ये कहेंगे यहाँ नीचे देखेंगे तो नीचे लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटरी जो बार अपने जो होते हैं, एक सेकंड, उनके लिए 6 mm का है, 6 mm डायमीटर का प्रोवाइड करवाया गया है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरी बार इनका जो डाया 6 mm का है, लेकिन यदि आपको दिया हुआ है कि 18 cm सेंटर टू सेंटर, इसका मतलब ये है कि 18 cm क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूटरी बार है उनके बीच की स्पेसी है। यानी एक बार लगाने के बाद दूसरा जो बार प्रोवाइड आप करवाएंगे उनके बीच की जो दूरी है वो आपके पास कितनी होनी चाहिए? 180 mm की होनी चाहिए। कितनी? 18 cm। 80 cm का मतलब है आपका 180 mm आपका है बीच में स्पेसी प्रोवाइड करवाई गई है। ठीक है, ये आपको इस ड्राइंग के अंदर दिया हुआ है, दिखाया गया है। लेकिन आपकी जो लेंथ प्रोवाइड की गई है वो स्लैब की वो कितनी है? 6 मीटर है। कितनी है? 6 मीटर है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा आपकी ड्राइंग। ठीक है, अगर आपने पहले क्लियर थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपको क्लियर समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिए, आप यदि आपने नहीं देखा, यदि कभी आपने RCC छत पर कार्य करते हुए देखा है मिस्त्री वगैरहों को, तो आप देखिए इस तरीके से अपन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाते हैं, सरिया जो प्रोवाइड करवाते हैं वो इस तरीके से जाल बनाते हैं। एक तरीके से जब आप छत करते हैं उससे पहले अपन क्या है, एक जाल प्रोवाइड करवाना होता है। ठीक है, रेनफोर्समेंट का, सरियाओं का। ठीक है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा देते हैं, उसके लिए सेंटरिंग करते हैं। ठीक है, सेंटरिंग कर देते हैं, सेंटरिंग करते हैं उसके करने के लिए। ठीक है, तो आप जो यहाँ पर देखिए, आप जो ये डिस्ट्रीब्यूटरी बार जो दिए हुए हैं 6 mm के डाया आपको दिया हुआ है, 6 mm का डाया दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटरी बार का, और 18 cm का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दी हुई है। मेन बार ये इस तरीके से दिए हैं, 12 mm का डाया है और 12 cm की आपकी क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये अल्टरनेट बेंट अप बार प्रोवाइड किए गए हैं, ये डैश डैश से दिखाए गए, जिसका मतलब क्या है कि आपको ये ऊपर की तरफ है, आपको ये व्यू दिखाया गया है, तो यानी ऊपर की तरफ है। एक आपको क्या है, प्लेन बार प्रोवाइड करवाते हैं, उसके बाद में दूसरा जो बार प्रोवाइड करवाते हैं वो बेंट अप बार प्रोवाइड करवाते हैं। ये डिस्टेंस क्या है? 15 cm के। यहाँ पर जो 15 जो आपने देख रहे थे ड्रॉइंग के अंदर सेंटीमीटर्स जो था वो साइड वाला पार्ट, इधर भी इस तरीके से हैं। ठीक है, ये जो बार आपको प्रोवाइड करवाएंगे वो कौन से हैं? जैसे ये वाला डिस्ट्रीब्यूटरी बार है, और ये हॉरिजेंटली जो इस तरीके से प्रोवाइड करवाएं वो क्या है, आपके मेन बार है। आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए आप ड्राइंग के अंदर इसको समझिए क्या क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये जो बार यहाँ पर इंडिकेशन किया गया है ये क्या है? मेन बार है। क्या है? मेन बार हॉरिजेंटली। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं ये वाला, या फिर क्या से हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी बार है। ठीक है, इनके बीच की जो स्पेसिंग है यहाँ पर दिया हुआ है 15 cm वेयरिंग वाला, साइड वाला आपको स्पेस छोड़ना है बीच में। ठीक है, आउटर एज ऑफ स्लैब, यानी कि आपकी जो स्लैब जहाँ पर है उससे बाहर की तरफ 15 cm आप देख रहे थे कॉलम में जा रही थी, या दीवार जो आपकी है उसके अंदर जा रही थी। ठीक है, 15 cm वो वाला पार्ट आपको छोड़ना है। यहाँ पर जो देख रहे हैं आप क्लियर कितना है, 6 मीटर है। क्लियर कितना है? 6 मीटर है। यहाँ पर ये क्लियर स्पान जो है वो कितना है आपका? 3 मीटर का है। कितने का है? 3 मीटर का है। तो बेंट अप बार्स इस तरीके से आपको आउटर प्रोवाइड करवाए गए हैं टॉप पर। तो ये आपका इनर फेसिंग वॉल्स जो होती है वो है। ठीक है, तो ये आपको जो दिखाया गया है एक तरीके से आपको एक टॉप व्यू दिखाया गया है, रेनफोर्समेंट का टॉप व्यू, जहाँ आपको सरिये लगाए गए हैं वो आपका ये टॉप व्यू है। क्या? एक तरीके से टॉप व्यू है। नेक्स्ट, आपकी कैलकुलेशन किस तरीके से इसकी करेंगे, इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, एक सेकेंड। ये देखिए नेक्स्ट आपका ये है कि डिटेल्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंड कैलकुलेशन ऑफ द क्वांटिटी, क्वांटिटी की आपको क्या है कि मैं बतानी है, कैलकुलेशन करनी है। तो आपका जो टेबल बनती थी, फर्स्ट आइटम नंबर, सेकंड पर्टिकुलर्स आइटम्स ऑफ एंड डिटेल वर्क्स जो आप कौन सा कार्य कर रहे हैं, फिर आपका नंबर, फिर लेंथ, फिर ब्रेथ, फिर हाइट और डेप्थ, फिर आपकी क्वान्टिटी, आप उन सबको क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपकी क्या आ जाती है, क्वान्टिटी आ जाती है, और उसके बाद में एक्सप्लेनेटरी नोट्स जो अपन एक्सप्लेन करना चाहेंगे।
नेक्स्ट यदि मैं आपसे कहूँगा, पहला जो पॉइंट है आपका क्या है, आरसीसी वर्क 1:2:3 इंक्लूडिंग स्टील एंड इट्स बेंडिंग वट इंक्लूडिंग सेंटरिंग एंड शटरिंग एंड बाइंडिंग स्टील, जो अपने जो बाइंडिंग स्टील प्रोवाइड करवाते हैं, यदि आपने देखा हो सरियाओं को बांधने के लिए बारीक वाले वायर अपन यूज़ करते हैं, ठीक है, बारीक वाले वायर जो यूज़ करते हैं, ठीक है, उनको बांधने के लिए, वो वाले वायरों की बात कर रहा है, ठीक है। तो नंबर में आपका कितना रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। लेंथ कितनी रहेगी, लेंथ आपकी कितनी रहेगी, 6 मीटर आपकी थी, ठीक है, और 15 सेंटीमीटर इधर की तरफ और 15 सेंटीमीटर इधर की तरफ, यानी कि 30 सेंटीमीटर हो गया, कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर हो गया। तो 6 मीटर तो एनआर टू एनआर है, तो कितना हो गया आपके, 6.30 हो गए। नेक्स्ट बिड़थ कितनी, बिड़थ यदि आप देख रहे हैं तो कितना था, क्लियर स्पान आपके पास कितना था, 3 मीटर था, क्लियर स्पान कितना है, 3 मीटर है, और 15 सेंटीमीटर इधर की तरफ और 15 सेंटीमीटर इधर की तरफ, तो वो कितना हो जाएगा आपको दोनों तरफ, 3.3 आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट हाइट या डेप्थ, जो आपने जो स्लैब प्रोवाइड करवाई गई है उसकी जो डेप्थ आपको कितनी माननी है, कि आपकी कितनी क्वांटिटी में है, आरसीसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो डेप्थ आपने मानी है वो माना कि 120 mm की है, कितने की, 120 mm की। यदि मैं इसको कन्वर्ट करूँगा किसमें, मीटर में, तो वो आपके पास में कितना जाएगा, 0.12। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये टोटल आरसीसी का जो वर्क आएगा वो आएगा 2.495, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं 2.5 क्यूबिक मीटर आपको क्या है इसमें कंक्रीटिंग का कार्य है, जो आपका रेनफोर्समेंट होता है उसको डिडक्शन नहीं करते हैं। अब जब आरसीसी कैलकुलेट करते हैं कि उसकी कंपेरिजन में कितना होता है, 1 या 2% टोटल आपका रेनफोर्समेंट होता है, ठीक है, तो उसको आपको डिडक्ट नहीं करना होता है, नो डिडक्शन ऑफ स्टील फॉर बार, जो अपन बार प्रोवाइड करवाते हैं उसको स्टील को अपन डिडक्ट नहीं करते हैं, यह याद रखने वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड क्वांटिटी है आपकी, स्टील बार इंक्लूडिंग बेंडिंग, जो अपन स्टील बार प्रोवाइड करवा रहे हैं कि आपकी जो आरसीसी जो वगैरह जो अपने की है आरसीसी, ठीक है, वो बेंड नहीं हो पाए, एक तरीके से गिरे नहीं, तो उसके लिए अपन क्या है, टेंशन के लिए ही अपन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि आपकी जो आरसीसी जो होती है कंप्रेशन के लिए वैसे ही स्ट्रांगली होती है, ठीक है, जो थोड़ी वीक होती है वो किस में होती है, सिर्फ टेंशन में होती है। नेक्स्ट आरसीसी वर्क इन मेन बार, मेन जो बार है 12 mm का है, डाया का है, इसकी अगर आप डेंसिटी देखेंगे तो ये फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, जो डायमीटर ऑफ बार होता है उसमें 162 का भाग देना है स्क्वायर का, जैसे मैं 12 mm का डाया है तो इसका स्क्वायर करके इसमें भाग दूंगा 162 का, कितने का, 162 का, तो अपने पास ये आता है। सपोज दैट काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ये जो पार्ट होता है पूरे को रफ कर देता हूँ, ये समझने वाली बात है। इसमें यदि आपसे ये कहेंगे 12 mm डाया, 12 mm का डाया वाला जो सरिया है उसका वजन कितना है, वेट कितना है, डेंसिटी आपको पता है 7850 केजी पर क्विंटल होती, वो होती है मीटर क्यूब, 7850 केजी पर क्यूबिक मीटर होती है, लेकिन यदि मैं क्विंटल की बात करूँगा तो 78.5 क्विंटल पर क्यूबिक मीटर होती है। तो आपका एक सरिया जो 1 मीटर का है उसका कितना वजन होगा, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए जो जितना सरिया दिया होता है ना उसका स्क्वायर कर देंगे, जिसका डाया mm में लेके, और डिवाइडेड बाय 162 कर देंगे, 162 कर देंगे, तो अपने पास ये आ जाता है, जैसे 12 का स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय 162 करेंगे तो अपने पास आएगा 0.888 आएगा, 888 आता है, तो कितना आप कितना लिख सकते हैं अपन, 0.189 लिख सकते हैं, ठीक है, पर मीटर क्यूब अपने बार पास बार हो जाएगा, ठीक। कितने चाहिए अपन को पता है कि जो 12 mm का मेन बार प्रोवाइड करवा रहे हैं वो कितनी पूरी लेंथ में प्रोवाइड करवा रहे हैं, 6.30 मीटर की लेंथ है, ठीक है, दोनों तरफ का अपन पार्ट छोड़ना है 0.888 का क्लियर वाला, ठीक है, तो उसमें डिवाइड कर देंगे तो अपने पास ये बार्स जो आएंगे वो 25 आ गए, 27 कितने आ गए, 27 आ गए इस तरीके से, ठीक है। लेंथ अपन कितनी, 3.4, क्योंकि क्लियर अपन स्पान जो देख रहे हैं वो 3.44 है, ठीक है। तो इस तरीके से हुक्स लेंथ जो है, मैंने हुक्स की लेंथ प्रीवियस वीडियो के अंदर बताई थी कितनी होती थी, एक तरफ के लिए 9 डी होती थी, दोनों तरफ के लिए कितनी हो गई, 8 डी हो गई, 18 डी हो गई हो जाती थी, ठीक है। तो वो आप इसको क्या है इंक्लूड करके आप इस तरीके से बेंटअप बार जो प्रोवाइड करवाती हैं उनकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ फाइंड आउट कर सकते हैं इसके 23 आए, लेंथ आपकी ये रहेगी,
3.52. तो अपने क्या इसमें क्या किया, एडिंग ऑफ बन डेप्थ ऑफ द 8 सेंटीमीटर बेंट अप बार के लिए, जब आपने देखा था बेंट अप बार 45 के लिए कितना होता था 0.42 D होता था, या जिसको पूर्ण मानने के लिए कितना मानते थे 0.45 D मान लेते थे। तो इस तरीके से अपन क्या ये बेंट अप बार की लेंथ मानते थे, एक्स्ट्रा एड जो होगी तो ये टोटल क्वांटिटी अपने पास आएगी किसकी, स्टील की। तो अपन ये स्टील की क्वांटिटी बता सकते हैं कितनी स्टील इसके अंदर लगेगी। नेक्स्ट, एक सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट इसी के अंदर देखिए आप कि क्या है कि आपका डिस्ट्रीब्यूटरी बार, जिस तरीके से आपने मेन बार्स जो निकाले हैं, ठीक है, अभी उसी प्रकार आपको क्या निकालना है, डिस्ट्रीब्यूटरी बार निकालना है। डिस्ट्रीब्यूटरी जो बार्स है वो निकालने हैं। अब आपको ध्यान रखना कि आपको ये लेंथ इतनी लेनी है और ये ऐड करना है तो 12 आ जाएंगे, ठीक है। आपकी डेंसिटी वही अकॉर्डिंग निकलेगा, ठीक है, जैसे आपने ये जो कितने का दिया 6 mm का, तो 6 का स्क्वायर / 162 कर देंगे तो ये डेंसिटी आ जाएगी और टोटल वेट अच का जाएगा सरिया का। तो ये आपकी टोटल क्वांटिटी जैसे आपने प्रीवियस में किया है। नेक्स्ट इसके अंदर टोटल जितनी होती है क्वांटिटी उसको आपकी जो रेट होती है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कॉस्ट आ जाती है, ये कॉस्ट आ जाती है। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। यदि आप एक मिनट यदि आप ये करना चाहें, ये टोटल जो क्वांटिटी आएगी अपनी स्टील की आरसीसी की, ठीक है, तो जितनी क्वांटिटी जो है उसको अपन को सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको जो रेट होती है उसे पर क्यूबिक मीटर की रेट है या पर क्विंटल की रेट है, ठीक है। रेनफोर्समेंट आपका क्या रेनफोर्समेंट लग रहा है वो क्विंटल की रेट का लगेगा, तो जितना क्विंटल्स अपना रेनफोर्समेंट लग रहा है उसको अपनी जितनी रेट है उससे मल्टीप्लाई कर दो, ये सारी उसकी कॉस्ट आ जाएगी पूरी, जो सारी हैं वो क्या कॉस्ट है। सिर्फ आपने कुछ नहीं किया कि रेट एनालिसिस जो किया था आपने तो उसी के अकॉर्डिंग उनका क्या जो टोटल क्वांटिटी है उसको रेट से मल्टीप्लाई करना है तो कॉस्ट आ जाती है। तो टोटल सबको ऐड कर लेंगे और उसके बाद 5% आप कंटेंजेंसी चार्ज लगा देंगे तो अपने पास क्या ग्रांड टोटल आ जाएगा। जो अपने ग्रांड टोटल आता है वो अपन ये बता सकते हैं कि आपको जो कोई पर्टिकुलर आइटम्स जो कार्य किया गया है उसकी कॉस्ट इतनी रहेगी। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।